हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली क्लास 10th के अंतर्गत ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। मैंने आपको हिस्ट्री का पूरा अच्छे से टाइप करके शॉर्ट में करवाया था, देख लीजिएगा। वन शॉर्ट रिवीजन 20 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। एमसीक्यू के मैंने आपको प्रोवाइड करवाई थी चार वीडियो, वो देख लीजिएगा। क्लास 10th सोशल साइंस 2023-24 के नाम से प्लेस बनी हुई, वहाँ पर जाकर आपको सारे कर लेने, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएं। इसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल पाया, मैं शॉर्ट में नहीं कर पाई, टाइप भी नहीं कर पाया मैंने, उसके लिए सॉरी। तो मैं आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दे रही हूँ सॉल्यूशन के साथ, आपको जहाँ से भी जैसे भी इजी लैंग्वेज मुझे मिले कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, एक एक क्वेश्चन आपका मैच होगा, ये गारंटी है। ड्रॉइंग के भी 20 के 20 एमसीक्यू मिले, जो मैंने आपसे बोला था, अभी प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगी। उसके लिए भी टाइम नहीं मिल पाया, मैंने नहीं बना पाया। इसके बाद वही वीडियो आपको दिखाऊंगी प्रूफ के साथ, ठीक है। हिंदी का दिखाई दिया, इंग्लिश का, साइंस का, जो जो मैंने बोला था कि क्वेश्चन मैच हुआ है, तो इस पर भी आप टेस्ट कर लीजिएगा। जितना मैंने करवाया कर लीजिएगा, मैप के क्वेश्चन, हिस्ट्री के, एमसीक्यू के, ठीक है। और ये डेफिनेटली यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक मैंने पेपर भी प्रोवाइड करवा दिया विद सॉल्यूशन, और उसमें एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट बताएं, वो आपको अच्छे से देख लेने हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको वन संरचना का अर्थ बताना है, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा और ईजिली आप बना लेंगे इसको, बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन एमसीक्यू में बनते हैं, राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी, 1988 में आई थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना मेन मेन पॉइंट, ठीक है, इसका अर्थ कर लेंगे। डिटेल में ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा, उसके बारे में आपको लिखना आना चाहिए, बस इजीली आप कर लेंगे। वन में कुछ भी नहीं है, वन के बारे में आप लिख देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको ये बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से कर लेना, जैव विविधता, ठीक है। इसमें क्या होता है, जीवों की विभिन्न जातियाँ जहाँ पाई जाती हैं वो कहलाती है जैव विविधता, और आपको बताया भी मैंने पश्चिमी घाट में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। अलग अलग वैरायटी की बहुत सारी जहाँ पे चीज़ें हों, ठीक है, वो कहलाती है जैव विविधता। इसका मानव जीवन में महत्व कर लेंगे। अब देखो जल का क्वेश्चन इजिली आप कर लेंगे, आपने निबंध वगैरह में कई बार लिखा होगा हिंदी में, ठीक है। इसके कारण क्या हैं, इजिली आप कर लेंगे, कारण ये हो गए। जल प्रदूषण क्या है, इसको दूर करने के उपाय, ठीक है, ये आपने ऐसे में किया होगा हिंदी के, तो वही आपको सब लिख देना है, ठीक है। ये तो आप बना के भी लिख सकते हैं, ये आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको ये करना है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना क्या है, इसके लाभ, ठीक है। शॉर्ट में आप अपनी लैंग्वेज में कर लेंगे, देश के सर्वांगीण विकास में बहुउद्देशीय नदी घाटे परियोजना का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। प्रथम प्रधानमंत्री, एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत के तीर्थ कहा था, किसे, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को, ठीक है। उसके बाद आप इसके लाभ लिख देंगे, बिजली का उत्पादन होता है इनके द्वारा, बाढ़ पर नियंत्रण होता है, इजिली आप कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको इस टाइप से कर लेना, चावल, ठीक है, चावल की खेती के लिए भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी होंगी, चाय का हो गया, गन्ने का हो गया, गेहूं का हो गया, इस टाइप से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको तापमान बता देना, वर्षा, मिट्टी कैसी चाहिए, इस टाइप से आपको लिख देना, बहुत सिंपल होते हैं। ये चावल का आप लिखेंगे, लास्ट ईयर पूछा भी गया था, कितनी वर्षा चाहिए, 100 से 200 सेंटीमीटर तक, ये सारा आप लिख देंगे, ठीक है। ये मात्रा की सबसे ज़्यादा जरूरत है चावल की खेती में, ठीक है। ये आप गन्ने के लिए कर लेंगे, कितना तापमान चाहिए, कितनी वर्षा चाहिए, वर्षा है इसमें 75 से 100 सेंटीमीटर, ओके। और गन्ना किन राज्यों में होता है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। ये चाय के लिए तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर, इसके लिए बहुत ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इतना आप कर लीजिएगा। काली मिट्टी में कौन सी खेती की जाती है, तो कपास की, या फिर पूछ लेगा कपास की खेती कौन सी मिट्टी में करते हैं, तो काली मिट्टी में, ठीक है, ध्यान रखना। तापमान बस ये कर लेंगे आप। आपको ये गेहूं वाला भी कर लेना है, 2022 में है, गेहूं, चाय, चावल, गन्ना, ये कर लीजिएगा, ठीक है, ये आप लिख देंगे, ठीक है। ये सारे पूछे हुए हैं, कृषि क्षेत्र की तीन प्रमुख समस्याएं, ये नाम लिख देंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत साधन में अंतर, के परंपरागत साधन कौन से होते हैं जिन्हें बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, ठीक है, और गैर परंपरागत होते हैं जो इजीली हमें दोबारा से प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। सौर ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये सारे गैर परंपरागत हैं, इन्हें बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इजीली हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, यहाँ से एमसीक्यू बनेगा और ये आपको शॉर्ट में क्वेश्चन मिलेगा अंतर में, ये चार पॉइंट कर लीजिएगा, ओके। जीवाश्म ईंधन से क्या फिर आए, ये लिख देंगे आप, ये एक नज़र आपको देख लेना, बस कुछ भी नहीं है। ऐसे अगर पूछ लेगा तब भी आपको वही चीज़ लिखनी है, यहाँ पे डेफिनेशन लिख देंगे, ठीक है।
देना है। और भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य किस तरीके से है ये भी ध्यान रखना। इसका मतलब नवीकरणीय का मतलब होता है गैर परंपरागत है, ठीक है, अनवीकरणीय होता है परंपरागत, जिसको बनने में ज्यादा टाइम लग जाता है। समझ गए, आप समझ रहे ना, अंतर से आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी। यहाँ पे डेफिनेशन करके भी दिया गया है, अंतर ना देगा तो डेफिनेशन दे देगा, एग्जाम्पल पूछ ही लिया उसने। पेट्रोलियम कोयला इन्हें बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, ठीक है, समझ गए ना। अब यहाँ पे खनिज तेल के क्षेत्र पूछ लिए हैं तो गुजरात असम ये लिख देंगे आप, अंतर पूछा जाए तो अंतर लिख देंगे, नहीं तो आप डेफिनेशन में देगा तो ऐसे लिख देंगे। एक क्वेश्चन आपको ये करना, सड़क परिवहन के 3 गुण इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आपको याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको एक बार पढ़ना जरूर है, उसके बारे में पता होना चाहिए कि उसमें आपको क्या लिखना है, ठीक है। ये अगर आपको पता होगा तो इजीली बना के भी लिख देंगे, बस आपको एक एक बार रीडिंग जरूर करनी है सभी क्वेश्चनों की, अच्छे से समझ के कि इसमें क्या हमें लिखना है, ठीक है। ये 6 पॉइंट है, इजीली आप शॉर्ट में लिख दीजिएगा। जब आपको मीन्स ही नहीं पता होगा तो आप क्या लिखेंगे बना के। भारत में संचार के साधन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब संचार के साधन कौन कौन से हैं अगर आपको पता नहीं हो तो आप कैसे लिखेंगे, तो आप लिख देंगे आकाशवाणी के बारे में, ठीक है, दूरदर्शन, ये आप इस तरीके से लिख दीजिएगा। पूरी आपको ये डिटेल करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में आप हेडिंग डालेंगे और लिख देंगे। मुद्रण क्या होता है, इसमें समाचार पत्र पत्रिकाएँ आ जाते हैं, ठीक है। चलचित्र ये तो आप इजली कर लेंगे, ठीक है। तो ये जनसंचार के माध्यमों के 4, इनको आपको कर लेना है। लोकतंत्र की विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से आपको करने, कई बार पूछेंगे पेपर में ये, ठीक है, 4 ये कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, स्पष्ट कीजिए, कैसे भी आ जाए सबके आंसर आपको सेम ही लिखने हैं। टकराव को रोकने के लिए पहले लिखेंगे आप, सेकंड लिख देंगे लोकतंत्र की आत्मा किस तरीके से ये है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट संघवाद क्या है, इसकी विशेषताएं, ओके, ये 4 आपको कर लेनी है, ये लास्ट आया हुआ भी था। एक क्वेश्चन आपको ये कर लेना है, ठीक है। सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए 3 उपाय, ये कर लेंगे आप। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से आपको करना है। लोकतंत्र एक उत्तरदायी और वैध शासन व्यवस्था है, लोकतंत्र एक उत्तरदायी एवं वैध शासन व्यवस्था स्पष्ट कीजिए, ये आपको करना है, ये आपको पॉइंट में लिख देना है, ओके। लॉन्ग में ये क्वेश्चन आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था को किन 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, ये आपको अच्छे से करना है। कैसे पूछ लेगा, अच्छे से आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसके 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तीनों के एग्जाम्पल, ठीक है, अच्छे से याद करने हैं। इसमें सारी नेचुरल चीज आती है, प्राकृतिक संसाधन होता है, जैसे कि कपास, ठीक है, ये सारे आते हैं प्राथमिक में, तो एग्जाम्पल करेंगे और डेफिनेशन करेंगे बस। प्राकृतिक चीज़ों से हम इसमें चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, प्राकृतिक जो हमें चीज़ें मिलती हैं उनसे इसमें सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। इसमें आता है प्राथमिक क्षेत्र में आता है ना, नेचुरल है, इसके पौधे से जो रेशे बनते हैं उससे हम सूत बना रहे हैं, कपड़ा बना जा रहा है, तो ये कौन सा होगा, द्वितीयक क्षेत्र, समझ गए। प्राथमिक से हमें जो चीज़ मिलती है, बन के जो मिलता है वो कहलाता है द्वितीयक क्षेत्र। गन्ने से हमें चीनी मिली, ठीक है, तो ये हो गया द्वितीयक क्षेत्र में, हो गया ना। द्वितीयक क्षेत्र क्या करता है, प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि शिक्षक हो गया, डॉक्टर हो गया, धोबी, नाई, मोची, ये सारे इसमें आ जाएंगे, एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने, ओके। नेचुरल अगर देगा तो प्राथमिक में हो जाएगा, ठीक है। एक अंतर आपको ये याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर, ये अच्छे से जहाँ से भी जैसे भी आपको मिल जाए कर लीजिएगा याद, बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन आपको वैश्वीकरण का भी करना है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 तरीके से आता है, उपभोक्ता के अधिकार, ठीक है, 3, और शोषण के कारण, क्या, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम MCQ बनेगा यहाँ से 1986, ध्यान रखना। ये 4 अधिकार हैं, थोड़ा थोड़ा आप कर लेंगे, ठीक है। ये सेकंड हो गया, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, जितने पूछ रहे हैं उतने आप लिख देंगे। एक ही आता है, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता है, ठीक है, ये डेफिनेशन आप कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये विशेषता है, ठीक है, 2 या 3 याद कर लीजिएगा, सफिशियंट है। एक क्वेश्चन आपको ये पढ़ लेना है, देश में महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक अधिकार दिए जाने के पक्ष में 3 तर्क, तो ये आप 3 कर लेंगे, ओके। एक क्वेश्चन आपको ये याद कर लेना है, ठीक है, यहाँ तक कर लीजिएगा बस। विदेशी व्यापार की मैंने परिभाषा तो आपको करा दी, अब यहाँ पे इसको अनुकूल बनाने के उपाय, ठीक है, ये कर लेने हैं आपको।
एक क्वेश्चन आपको ये पढ़ना है, बैसवीगढ़ पूछा था, ठीक है, डेफिनेशन आपको कर लेनी है, और किस प्रकार राष्ट्रीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने योग्य बनाया, ये आपको कर लेना है, ठीक है, इनकी भूमिका आप कर लेंगे। इनकी आपको फुल फॉर्म याद कर लेनी है, ठीक है, कोपरा और ISO, ये डेट याद करनी है और इनके फुल नेम। ओके, एक क्वेश्चन आपको ये करना है, विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसके कार्य, ठीक है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 1995 से कार्य करना प्रारंभ किया था, इसका मुख्यालय बहुत पूछा था जिनेवा में है, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हो गई, ये इसके आपको कार्य याद कर लेने हैं शॉर्ट के लिए, चार कर लीजिएगा सफिशियंट है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर आपको याद कर लेना, इसकी डेफिनेशन, ठीक है, कहलाती है, ये कर लेंगे, इसका फॉर्मूला प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है, राष्ट्रीय आय अपॉन जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय को ही औसत आय कहते हैं। ओके, एक क्वेश्चन आपको ये करना है, विकास की अवधारणा, इसका अर्थ आप कर लेंगे और इसके घटक बहुत पूछे आते हैं, ये घटक आपको याद करने हैं, ठीक है, चारों डिटेल में पूछ, अगर डिटेल में पूछेगा ना तो आपको पूरा डिस्क्राइब कर देना है। एक क्वेश्चन आपको ये कर लेना है, ये शॉर्ट में आते हैं, ठीक है, एक आपको विकास का क्वेश्चन ये वाला कर लेना है, इसमें भी वही है मापक, लोकतंत्र की परिभाषा विशेषता तो मैंने आपको बता दी है, एक परिभाषा आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, अब्राहम लिंकन के अनुसार, ठीक है, ये विशेषता हो जाएंगी। एक क्वेश्चन आपको याद करना है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, किन्हीं तीन प्रावधानों के आधार पर स्पष्ट करना है इसमें, ठीक है, राज्य का कोई धर्म नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता हो गया, धार्मिक हस्तक्षेप नहीं, ये तीन आपको रीजन इम्पोर्टेंट है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, पेपर बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, इतना आप पढ़ लीजिएगा, प्लेस पर जाकर सारे टॉपिक याद कर लेने, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।